अल्लाह रहमान रहीम। तो माइनिंग का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर नोड जो है वो माइनिंग कर रही होगी, और माइनिंग के दौरान जो है वो एक पज़ल सॉल्व कर रही होगी। जो भी नोड पहले पज़ल सॉल्व करेगी वो रैंडम नोड के तौर पर सेलेक्ट होगी, और फिर वो बताएगी कि नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा होना चाहिए। तो इट्स बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनिंग। जो नोड जो है पहले पजल सॉल्व कर लेगी माइनिंग के दौरान, वो रैंडम नोड के तौर पर सेलेक्ट होगी, जो कि नेक्स्ट नोड प्रपोज करेगी, जिसकी बेस पे उसको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड के बारे में मैंने आपको बताया, दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि जो माइन किया है उसने नेक्स्ट ब्लॉक फाइंड किया है, उसके साथ जो है वो एक ट्रांजेक्शन अपेंड करता है नेक्स्ट ब्लॉक के साथ, जिसमें वो एड्रेस देता है कि जिसके ऊपर जो है उसको कुछ इंसेंटिव रिवॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा जो वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेगा जिस नोट की, उससे भी जो है थोड़ी सी फीस लेता है। तो ये माइनिंग का कॉन्सेप्ट है, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क पे बेस करता है। जो मैंने बताया कि वो एक पजल सॉल्व करते हैं, अपनी कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बिहाफ पे उसको जो है कुछ पेमेंट होती है। एक और कॉन्सेप्ट है प्रूफ ऑफ स्टेक का, जिसमें जो है ओनरशिप ऑफ द करेंसी पे जो है, करेंसी जो आपके पास है उसकी बेस के ऊपर जो है माइनिंग होती है, और नेक्स्ट ब्लॉक सेलेक्ट होता है, रैंडम नोड सेलेक्ट होती है। ये बिटकॉइन में यूज़ नहीं होती, बहरहाल ये भी एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो है ये काम किया जाता है। सो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, कि हम जो है अलाउ कर रहे हैं नोट्स को जो है वो एक दूसरे से कम्पीट करें, और जिस कम्पिटिशन में फिर जो भी नोट जो है सेलेक्ट होगी जिसके नेक्स्ट ब्लॉक को एक्सेप्ट किया जाएगा, और माइनिंग जो है ऑब्वियसली एक टफ टास्क है जिसके लिए हार्डवेयर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो हर कोई जो है ऑब्वियसली माइनिंग जो है एक टफ टास्क है, हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव टास्क है। और इसमें होता कुछ इस तरीके से, ये पजल के ऊपर बेस करता है, जैसे हमने बात की, जिसमें आपके पास हैश पजल्स में एक रैंडम नंबर होगा नॉन्स, उसको कंकेटिनेट करेंगे प्रीवियस हैश के साथ और लिस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो कि उस ब्लॉक के अंदर होंगी, और उसका पूरे का हैश लेते हैं। तो किन चीज़ों का हैश लिया जा रहा है? एक रैंडम नंबर नॉन्स और प्रीवियस ब्लॉक और ट्रांजैक्शंस की लिस्ट, इनका हैश ले रहे हैं। अगर वो हैश जो है एक टारगेट स्पेस में से आ रहा है तो ठीक है, वाई जो है जो हमारा टारगेट स्पेस है, अगर उसमें से नहीं आ रहा तो आपको नया नॉन्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप बहुत सारे नॉन्स ट्राई करने पड़ेंगे आपको, उसमें से कोई एक नॉन्स जो है वो जिस पे वैल्यू सही आएगी। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, जिसके बाद जब ये पजल सॉल्व हो जाएगा तो वो रैंडम नोड सेलेक्ट हो जाएगी। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो रैंडम नोड की सिलेक्शन है वो प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड है। नोड्स जो है कंपीट कर रही हैं पजल को सॉल्व करने के लिए, और जो नोड लकीली फाइंड कर पा रही है रैंडम नॉन्स को, वो जो है नेक्स्ट ब्लॉक प्रपोज करेगी। नो सेंट्रलाइज्ड नोड इज देयर टू सेलेक्ट द रैंडम नोड।